हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम नादरा के जूनियर एग्जेक्टिव का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 25 फरवरी 2024 को हुआ था। इसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर जो अभी हो रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है ये जो ट्रिक्स पे आप अमल कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम इन ट्रिक्स पे लोगों ने अमल किया था तो बहुत से लोगों की जॉब हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रिक्स हम आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ एशिया, अब उसने थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाईएस्ट पीक एशिया की क्या, माउंट एवरेस्ट है। सबको पता होगा कि ये साउथ एशियन कंट्री जो है, जिनको सार्क मेंबर कहते हैं, एमबीबीएस स्पेन, ये 8 कंट्री हैं, तो उनमें कौन सी हाईएस्ट पेन है, हाईएस्ट जो पॉइंट है, तो वो माउंट एवरेस्ट है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो है वो K2 है, दुनिया की जो बड़ी तरीन चोटी है। प्लॉजिबल का सिनोनिम पूछा हुआ था, तो अपार्टनरली जो है इसका जवाब आ सकता है फहम मुमकिन, जिसको कहते हैं। हेमलेट जो बुक है, ये इसके राइटर कौन थे, इसके विलियम शेक्सपियर जो थे, इन्होंने ये बुक लिखी थी, इंग्लिश की ये बुक है बेसिकली। आगे जाने से पहले थोड़ी सी आपको टिप्स बता दें, जो नादरा के पेपर होते हैं, जो लास्ट टाइम हुए थे डाटा एंट्री एग्जेक्टिव के, तो वो मोस्टली क्वेश्चन देखो जो उन दिनों पेपर हो रहे थे उसी से आए थे, तो इसलिए जो आजकल पेपर हो रहे हैं वो क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से देख के जाइएगा, और वो इंशाल्लाह आपको टेस्ट पॉइंट इसी वेबसाइट से मिल जाएंगे। अब आपने जब ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, अगर तो आपने पेपर वाइज पढ़ने हैं तो ठीक ही ठीक है, अगर नहीं तो आप हाइड कैटेगरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जितनी नीचे ये सारी कैटेगरी हो रही हैं ये हाइड हो जाएंगी और ये क्वेश्चन आ जाएंगे सिर्फ। अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि इसके जवाब कैसे लेने हैं, आप इन 4 ऑप्शन में किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आंसर बोल्ड हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जी अगर आप इन 4 ऑप्शन में से क्लिक करेंगे तो आंसर बोल्ड हो जाएगा, तो ये इधर इधर लिखा होता है, मजीद हम लिख देंगे अगर नहीं भी श्योर अभी तो। 4 ऑप्शन में किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आंसर बोल्ड हो जाएगा। अब सबसे रिक्वेस्ट, अगर आप पेपर दे रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपके पेपर में है इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एक सदका जारी है, जिस तरह अभी आपको ज़रूरत है इसी तरह कल को दूसरे लोगों को भी ज़रूरत होगी, तो सबका फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसी का नादरा का, तो उस पर क्लिक करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन नेपाल, नेपाल में सबसे हाइएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। पहले उसने एशिया के हवाले से भी पूछा था, कुछ स्टूडेंट से वो पूछा था, कुछ से ये, तो यानी कि क्वेश्चन उसने घुमा के पूछा था लेकिन जवाब एक ही है, और सेकंड नंबर जो है वो K2 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था 3/5 और +1/5, तो इसको इक्वल यानी कि इसको जमा करना था, तो इसका क्या जवाब आना चाहिए, इसका जो है जवाब 4/5, यानी कि 5 दोनों का इक्वल हो जाएगा, एक ही है, 5 और 3 और 1 4, तो इस तरह से ये जवाब आ जाएगा। ये एवरीडे साइंस का आप कह दें या IQ का भी इसको क्वेश्चन कह रहे हैं, इसमें था कि टू अरेंज जुपिटर वीनस मार्स एंड अर्थ अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, ये उसने इस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो आपने इनमें से कौन सी इसकी पोजीशन है, जैसे कि वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये है इनकी असल पोजीशन, तो आपने उसके ऊपर लगाना था कि इसकी ये पोजीशन है, तो हमने डिटेल भी लिख दी। ए शेप विद कवर जो कर्व्ड साइड्स एंड ए सर्कल इज, तो उसको क्या कहते हैं, ओवल, जिसको बैजवी शक्ल जिसको कहते हैं, तो इसका जवाब होगा ट्रांसपोर्ट डाटा, और ये हर पेपर में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस तरह से ये देखें, इस तरह से डाटा ओरिजिनल लिखा होता है, ट्रांसपोज लिखा होता है, और नीचे पूछता है कि इसमें क्या गलती हैं या कितनी गलतियां हैं, तो वो आपने जवाब देना होता है, और ये हर क्वेश्चन में इसका कोई फार्मूला नहीं है, ना ही कोई याद करने का तरीका, जस्ट आपको ये हिंट क्लियर होने चाहिए कि जी देखो ये 3 2 उसने ऐसे लिखा हुआ है, समझ थोड़ा सा, आप 3 2 3 इधर 3 3 3 वो गलती होगी, अगर देखो इधर n है इधर m है, तो थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, और ये हर पेपर में क्वेश्चन तकरीबन आया, यानी कि ये सेम अभारत नहीं होगी, अभारत चेंज होगी, लेकिन तरीका कार यही सॉल्व करने का, और सीरीज वगैरह के भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी देख लीजिए। विच पेयर ऑफ वर्ड आर लेटर लाइक साइलेंस नॉइस, इस तरह से एक क्वेश्चन था पेयर ऑफ वर्ड के हवाले से, तो जिसका बॉल्डनेस मतलब गंजापन, और हेयर जिसके सर पे बाल हों, जी हाँ बाल। बैकर के लेटर वो कहता है इनमें से कौन सी चीज़ें हैं, तो फूड एंड फ्रूट्स आप कह सकते हैं कि ये बैकर के रिलेटेड है, बाकी चीज़ें नहीं।
आपसे हम रिक्वेस्ट है, अगर आप पेपर दें तो प्लीज़ इस नंबर पे व्हाट्सएप ज़रूर कर दीजिएगा जो आपके पेपर में क्वेश्चन आए और आपको याद रह जाए। इसके अलावा हाई ईयर पास्ट पेपर अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि प्रीवियस पास्ट पेपर testpoint.pk के वेबसाइट पे मौजूद हैं, वो भी ले सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन था कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, मतलब कि इसमें बड़े छोटे के हवाले से सेंटेंस एंड रीराइट देम, तो इसमें क्या हो सकता है। तो ये टाइगर इस तरह से, ये वाला क्वेश्चन इसका राइट आंसर है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। कैपिटलाइजेशन एरर के हवाले से क्वेश्चन था और ये भी तकरीबन हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका आपको सिर्फ रूल्स आने चाहिए कि कैपिटलाइज कौन सा करना और कौन सा नहीं करना। अगर आपने ये रूल याद कर लिए तो ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं, जस्ट एक रूल याद करना है कैपिटलाइजेशन के हवाले से, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसका जवाब ये है, ठीक है। नादरा के 5 ईयर पास्ट पेपर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मज़ीद इंशाल्लाह ये पेपर होंगे जो आप लोग शेयर करेंगे, हम आप कोशिश करेंगे अपलोड करने की। अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।